हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे वो अबाउट द जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आज पढ़ने चल रहे हैं वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल से हम लोग करें, मॉडर्न पीरियडिक टेबल या इसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल आज का हम लोग का लेक्चर। तो अगर आपको याद हो, इससे जो प्रीवियस लेक्चर बना हुआ था, इसके जो प्रीवियस लेक्चर बना हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट का कैसे अरेंजमेंट होता है, मेंडलीव जी ने बताया। उसके बाद जो है अरेंजमेंट किस हिसाब से, फिर प्रॉपर्टी, फिर उनके मेरिट्स डिमेरिट्स, ये सभी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। ये आप जा सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल प्रीवियस वीडियो में आपने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग लेक्चर सेकेंड ले रहे हैं और इसमें मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो कि वहां पर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, हमने आपको बताया था जो एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया था, एलिमेंट्स अरेंज थे, अरेंज किसके आधार पे थे, अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक। तो ये यहां पे था, लेकिन इस फॉर्म में जो है इसको आपको जानने के लिए सबसे पहली चीज हेनरी मोजले साहब, हेनरी मोजले साहब जो है इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया विद एक्सरे, ठीक, एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सरे जो जो स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट का, तो उन्होंने एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया। एक्सरे जो है, एक्सरे फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन इन्होंने ऑब्जर्व किया, रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया, इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया एंड ही प्लॉट ए ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ, इन्होंने एक ग्राफ को प्लॉट किया किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में आपने एक ग्राफ प्लॉट किया तो क्या ऑब्जर्व इन्होंने किया, इन्होंने देखा एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन, ठीक। स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब इन्होंने एक निष्कर्ष क्या, इन्होंने रिजल्ट इससे निकाला, इससे इन्होंने कहा कि वास्तव में किसी भी एलिमेंट की एलिमेंट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसको समझाया जा सकता है, नॉट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के आधार पे नहीं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो फिर इस चीज को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये कहा गया कि अगर किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर होती है, ना कि एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो अगर एटॉमिक नंबर जो है
वो किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है जो किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगी, एटॉमिक नंबर से, ना कि एटॉमिक वेट से। इसी को बेस माना, और बेस मानने के बाद इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की जो फ्रेक्वेंसी, एलिमेंट्स के जो एक्सरे की जो फ्रेक्वेंसी है, फ्रेक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर। फ्रेक्वेंसी ऑफ एक्सरे, या फ्रेक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट कर लीजिए, फ्रेक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये फ्रेक्वेंसी ऑफ एक्सरे है, फ्रेक्वेंसी ऑफ एक्सरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया, और इससे एक जो है इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को बताता है। एटॉमिक नंबर डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, और इसी को बेस मान करके जो है फिर जब ये इन्होंने इतनी चीजें बता दी तो जो मेंडलीव का पीरियडिक लॉ था उसमें थोड़ी सी करेक्शन हुआ, जहां एटॉमिक वेट लिया गया था वहीं एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस करके दिया गया क्या, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ किस पर बेस था, एटॉमिक नंबर के आधार पर बेस था। ये आप इतना चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप जानते हैं ये जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है इसको जो है हम लोग मोजले का जो है मोजले जी के कंट्रीब्यूशन और साथ ही साथ बोर्स मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉनों को किया गया है वो बोर्स के अकॉर्डिंग भी किया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसको, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है इसे हम लोग कहते हैं बोर्स पीरियडिक टेबल भी कहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन इसमें काफी था। क्यों कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया है वो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल किया गया, ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है भाई। इस तरह से हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं। तो ये हो गया, अब हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं मॉडर्न पीरियाडिक लॉ क्या है। देखिए मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, मॉडर्न पीरियाडिक लॉ, अगर मॉडर्न पीरियाडिक लॉ की बात करें तो इसमें बताया क्या गया, इसमें यही चीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ एटॉमिक नंबर की बात, वहां एटॉमिक वेट। देखिए इनका जो स्टेटमेंट था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंड एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियाडिक लॉ है, और एक नंबर का क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। और पीरियाडिक फंक्शन हमने बताया, फंक्शन किसी भी चीज पे जो डिपेंड करे, और वो किस पे डिपेंड करे, दोनों चीजें एटॉमिक नंबर पे। क्यों, क्योंकि मोजले साहब ने बताया किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसी के आधार पे जो है हम लोग अब चलते हैं जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसको ड्रा करते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में और जो पुरानी पीरियाडिक टेबल थी उसमें अगर आपको याद हो तो आपने जो ग्रुप को ए और बी में डिवाइड किया था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, और इसी तरह सेकेंड ए सेकेंड बी, इस तरह से
लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हम लोग नंबर्स देंगे, न्यूमरल्स देंगे, 1, 2, 3, 4 पूरे 18 तक जो है नंबर्स देंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। और बनाने के बाद तो ये हमने बताया आपको, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमने बना दिया है। थोड़ा सा आप इसको देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। हमने आपको बताया ये रोमन नंबर में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में रोमन नंबर जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी था, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 18 तक दिया गया। अगर आप इसको देखिए, इधर ये पीरियड, इधर क्या है ये पीरियड, और इधर क्या है ये ग्रुप नंबर, ये सीधा सीधा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, पहले पीरियड में आपको दो एलिमेंट मिल रहे हैं, वो कौन सा, हीलियम और हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है। और दूसरे पीरियड में आप देखिए, दूसरे में आपको टोटल यहां पे 6 दिखाई देंगे, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 दिखाई देंगे, सॉरी 8 दिखाई। तीसरे में भी आपको कितने दिखाई देंगे, 8 दिखाई। और जैसे ही चौथा यानी 4s इंट्रोड्यूस होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट है ये 10 और बढ़ जाएंगे, ये डी वाले आ जाएंगे, 10 और बढ़ जाएंगे, 18 हो जाएगा। फिर पांचवे में भी 18 हो रहा है। और फिर आपका जैसे ही 6 इंट्रोड्यूस होगा, लैंथेनम के बाद जो है आपका लैंथेनॉइड सीरीज होता है, 14 एलिमेंट और जगह 18, 14, 32 हो जाएगा, यानी यहां 32 हो जाएगा, फिर यहां पर भी 32 हो जाएगा। तो कुछ चीजें हम इसमें चर्चा करते हैं। पहले इसको ध्यान से देखिए, ये पीरियड हो गया और ये ग्रुप हो गया, ये दोनों जो है आपके, इसे हम लोग कह रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। और ये ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जो है, इसे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। पहले चर्चा सुनिएगा ध्यान से, एस ब्लॉक पी ब्लॉक किस आधार पे कह रहे हैं, इन सारे इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो NS1 हो सकता है या NS2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में डिटेल में। पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हो गया दोज एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, एंटर्स इनटू द पी ऑर्बिटल में एंटर करे तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 तो रहेगा ही और NP126, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। तो इसमें पी में इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट की एक खासियत ये भी आप ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, यहां देखिएगा, एक एरिया डिसाइड करते हैं और उस एरिया को अगर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये एरिया है, ये एरिया डिसाइड कर, ये हमने एक एरिया डिसाइड कर, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसके इस साइड में आपको सारे मेटल्स की बात होगी और उस साइड में क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा भाई इस चीज को। इसके इस साइड में जो है यानी यहां पे अगर हम लोग गए और यहां किस तरफ चले
यहाँ पे आपको मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर मेटल्स दिखाई देंगे पी ब्लॉक में, और इधर क्या दिखाई देगा, नॉन मेटल्स दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने आपसे कहा थोड़ा पीरियोडिक टेबल को इतमिनान से देखिए। और आप एक चीज और सुनते हैं कि जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट होता है इनको हम लोग कहते हैं एस और प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट को कलेक्टिवली आप कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हमने आपसे क्या कहा, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको कलेक्टिवली, क्यों, क्योंकि पूरी पीरियाडिक टेबल को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पीरियाडिक टेबल को, इधर से एस ब्लॉक और इधर से पी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसे हम लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और आपने जो है इनके नाम को नॉर्मली ऑब्जर्व किया है, और आपने बताया ये पहला एल्कली मेटल्स है, दूसरा एल्कलाइन है, और ये आपका जो है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट। यहां तक आपने कहा, इनका नाम पढ़ने के लिए हमने आपसे बताया कि ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, चाहे तो आप पढ़िए हाइड्रोजन को तो एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन जो है ग्रुप 17 दोनों के साथ काउंट, अगर यहां रखेंगे तो हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, हेलेन कब्र से फरार, हेलेन कब्र से फरार, या हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना समझ समझ रहे ना, हेलीना करे करे रब से फरियाद, ठीक, चाहे हेलेन कब्र से फरार, चाहे हेलेन कब्र से फरार कहिए, चाहे हेलीना करे रब से फरियाद, बात वही है। इसको कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कार की जगह आप कन्या कर दीजिए, सुंदर राजी ये हो जाएगा। पी ब्लॉक को पढ़ा ना हम लोगों ने, पी ब्लॉक में बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, या बैगन आलू गाजर इन थैला, चाहे जैसे भी, हम एक अलग वीडियो डेवलप करेंगे जिसमें सारे एफ ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक सबके जो है ट्रिक आपको बताएंगे। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, या काशी जी संत प्रभु, चाहे जो कहिए, बहुत से ट्रिक हैं जिसको जिस ट्रिक को आप अडॉप्ट करें। न्यूज पेपर आज सब बिक गया, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नहीं पटी ऐश्वर्या सलमान ढाई से, बहुत से नाम है इसे दिया गया है जिसको भी आपको ऑब्जर्व करना, उससे टीपो उससे टीपो। अब इसका देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, या फ्रेश क्लीन ब्रांडेड इंडियन आटा, फ्रेश क्लीन ब्रांडेड इंडियन आटा, या फेस सीबीआई एट होम, फेस सीबीआई एट हो, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया। तो ये आपके एस और पी ब्लॉक को आपने अनार्ली ऑब्जर्व कर लिया है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसमें, अब बीच वाले एलिमेंट की बात करते हैं। जो बीच में ये एलिमेंट्स है इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, इसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसकी भी अभी हम टेक्निक आपको बताते हैं, हो गया भैया। और आप जानते हैं ग्रुप 13, सॉरी ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं,
और नॉर्मली जो है हम आपको सेक्वेंस ऐसे भी पढ़ने का बताएंगे और हम नॉर्मली सेक्वेंस ऐसे भी पढ़ने को बताएंगे। ठीक है भाई, एक्टिनियम 89 होता है, इसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट आता है, 6D आता है, 6D एक्टिनियम 89 एंड आफ्टर लॉरेंसियम 103, 103 के बाद के एलिमेंट है, तो उसकी अभी चर्चा किया जाएगा तभी समझ में आएगा, तो अभी इसको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे इसको पढ़ते कैसे हैं, नॉर्मली ऐसे अगर आप देखिए, स्कूटी वाली कार में फरार कोई ना कब जाने, स्कूटी वाली कार में फरार कोई ना कब जाने, ये हो ठीक है भाई। हो गया, और जगह लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि तमाम चीजें जो है आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बता रहे हैं थोड़ा नीचे जो लिख दीजिए, हो गया भैया, ये पहला हो गया। ठीक, हो गया भैया। अब देखिए दूसरा वाला, यार जरा नींबू मांगो ताकि रुक रही पढ़ाई आगे चले, आगे चले या आगे बढ़े, ठीक है, आगे चले। यार जरा नींबू मांगो ताकि रुक रही पढ़ाई आगे चले, ठीक। यार वाई जरा जेडार नींबू मांगो ताकि रुक रही पढ़ाई आगे चले, इसको हम अलग वीडियो बनाएंगे लेकिन यहां सुन लीजिए बस। और उसके बाद इसको देखिए, ला हफ्ता वरना वे उसामा इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है भाई। ये कौन सा था, ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका, इसको तो अभी आप जान ही रहे हैं, एक्टिनियम 89 होगा, इसके लिए कहा जाता है। अब देखिए यहां पे आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो अब इसका नाम अभी बताते हैं आपको, पहले और देखिए। अब हम लोग ले रहे हैं थर्ड ग्रुप के लिए अब ऐसे चल रहे हैं, ठीक। स्कूटर यहां ला, एक बार स्कूटर यहां ला एक, या स्कूटर यामाहा ला ए, इसको क्या कह सकते हैं, स्कूटर यामाहा ला एक बार या एक, चाहे स्कूटर चाहे यामाहा लाओ, कोई एक लाओ। थ्री के लिए, फोर्थ के लिए टी जरा हाफ, ठीक। और वो नवाब था, फाइव वाला, वो नवाब था, इसको सुनते रहिए, ये सब याद करना सुविधाजनक होगा। सिक्स वाला, क्रो, अब देखिए डब्ल्यू जो है टंगस्टन का सिंबल, तो क्रो क्रोमा कह दीजिए, क्रोमाता
क्रोमाता, क्रोमाता यानी क्रो सी आर जो है क्रोमियम के लिए, एम ओ जो है मॉलिब्डेनम के लिए, ता ता टंगस्टन के लिए डब्ल्यू, ठीक। और सेवन के लिए हो जाएगा क्या है भाई, मैग्नीज टेक्नीशियम और क्या है भाई, मैग्नीज टेक्नीशियम और रेनियम, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। और एट के लिए क्या हो जाएगा, एट ग्रुप के लिए, एट ग्रुप के लिए देखिए लिखा है फेरस, फेरस, फेरस एफ ई आर यू एस, फेरस एफ ई आर यू एस ओ एस, ठीक है भाई। ये हो गया एट के लिए। नाइन्थ के लिए देखिए क्या है, नाइन्थ में क्या क्या है भाई, सी ओ आर एच आई एन, कौन रहेगा आयरलैंड, सी ओ कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड में, ठीक है भाई, कौन रहेगा आयरलैंड में। और इसका देखिए टेंथ वाला है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ग्यारह, कौन आगे आया, कौन आगे आया, ये हो गया। और जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा बारह, जिनी कनाडा होगा, ये आपको जो है इस तरह से ग्रुप याद करने के लिए हमें बताया। और हमने इस तरह से भी आपको बोला, आप नाम समझ लीजिए, लिख लीजिए लाइन को और उसके हिसाब से एलिमेंट को अरेंज कर दीजिए। इसका अभी छोड़ा हुआ था हमने सिक्स वाला, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टर, एक्टर पहले लिखते हैं सिंबल जो जो आता है, इसके बाद आता है आर एफ, ठीक, फिर डी पी, फिर एस जी, फिर बी एच, फिर एच एस, फिर एम टी, फिर डी एस, फिर आर जी, और फिर इसका देखिए, एक्टर रफी, दारा संग बैठ, हस मत देसी राग सुन, एक्टर रफी, दारा संग बैठ, हस मत देसी राग सुन, ये आपको जो है हमने एलिमेंट्स के जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रिक बताई, कैसे आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और ये डी ब्लॉक के एलिमेंट को नाम हम लोग कैसे, नाम सिंबल वाइज कैसे याद करते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। और इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लोग पढ़ते हैं, एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन आर टू, ये ठीक है भाई, ये आपका जो है इस तरह से अरेंजमेंट आता है, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। इतना इसको देखिए, तो हमने आपको कहा पूरी पीरियडिक टेबल को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, चार ब्लॉक में नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, एस पी और डी और एफ, एफ जो नीचे आपके दिए गए थे फोर एफ सीरीज है,
वो आपने देखा था एक्टिनियम 89 से लेकर के है वो 5F, और लैंथेनम 57 के आगे जो है हाफनियम 72 तक, ठीक। हाफनियम यानी ल्यूटेशियम कहते हैं ना, ल्यूटेशियम तक आपको ऑब्जर्व किया था। तो इसको नॉर्मली हम लोग जो है क्या कह रहे हैं, पूरी पीरियाडिक टेबल को आपने चार ब्लॉक में कैटेगराइज किया है, चार ब्लॉक में कैटेगराइज किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, अभी इसकी चर्चा हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, और एफ ब्लॉक। ये आपका नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और नंबर चार। जो एफ ब्लॉक है हमने इसकी चर्चा आपसे कर लिया। एफ ब्लॉक को हम लोग जो है दो सीरीज होती है इसकी, दो सीरीज है। एक को हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड, ये 4F सीरीज, और एक को हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड, ये 5F सीरीज। 4F जो है ये स्टार्ट होता है आफ्टर लैंथेनम 57, ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, सीलियम 58 ल्यूटेशियम 71, ये ठीक। और 5F सीरीज जो है वो स्टार्ट होता है एक्टिनियम 89 एंड आफ्टर लॉरेंसियम 103 टू ऑनवर्ड्स। सॉरी, हमने कहा 5F सीरीज जो है ये एक्टिनियम 89 में थोरियम 90 से हम लोग लॉरेंसियम 103 तक, ये 14 एलिमेंट की सीरीज होती है भाई, 14 एलिमेंट सीरीज होती है। इनका भी नाम जो है सिंबल बताएंगे, लेकिन अब इसके लिए जो है अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें एस पी डी और एफ चारों का अलग से बताएंगे, क्योंकि इसमें बताने से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 10 मिनट इसी में लगेगा। तो ये चीजें हैं आपका जो है पूरी पीरियडिक टेबल में जो कैटेगराइज किया गया। इस पीरियडिक टेबल की एक खासियत ये भी थी कि इसने काज ऑफ पीरियडिसिटी को एक्सप्लेन किया। इस पीरियडिक टेबल की एक खासियत हमने क्या कहा कि पीरियडिक टेबल जो है काज ऑफ पीरियडिसिटी, काज ऑफ पीरियडिसिटी को एक्सप्लेन भी किया, एक्सप्लेन सैटिस्फैक्टरी। इन्होंने कहा इसके हिसाब से कि जो पीरियडिसिटी का कारण है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, जो आउटर मोस्ट सेल का जो है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जिनका सेम होगा उनकी प्रॉपर्टी एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद उसमें रिपीटेशन पाया जाएगा। इस चीज को इसी वजह से इन्होंने कहा कि पीरियडिसिटी टर्म जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी पीरियडिसिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इसके आधार पे जो है आप एक्सप्लेन कर, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इसके आधार पे जो है आप इन चीजों को पढ़ते हैं, इन चीजों के बारे में जानकारी डिलीवर्ड भी करते हैं, ठीक है भाई। आपने अभी डी ब्लॉक पढ़ रहे थे हम लोग, डी ब्लॉक के एलिमेंट को हमने बताया था एक नाम होता है इसका ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल, पार्शियली फिल, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसकी चर्चा हमने अभी आपसे की, इसे आपने क्या कहा था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
क्यों? क्योंकि ये पीरियाडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पीरियाडिक टेबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज को आपने ऑब्जर्व किया था और आपने बताया भी था, जिस चीज को आपने बता भी दिया था। तो इन चीजों को आप नॉर्मली आप बता भी सकते हैं और कह भी सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद जो है, और ये जो आपका यह ब्लॉक सीरीज है वो पीरियाडिक टेबल में बिल्कुल नीचे, पीरियाडिक टेबल का जो है, जो आपका पीरियाडिक टेबल था उसमें बिल्कुल नीचे की साइड में अलग इसको बना के रखा गया, ठीक। आपको मालूम है कि जैसे आपने बनाया था पीरियाडिक टेबल, यही तो था आपका ये पीरियाडिक टेबल। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये आपका हो गया एस डी और पी, और नीचे क्या हो गया एफ। ऐसे अरेंजमेंट होता है इसका, ऐसे अरेंजमेंट होता है। यहां पे कितना रहता है, 3 से लेकर के 12 तक, 1 और 2, ये 13 से लेकर के 18, ठीक है भाई। और इसमें 2 रहते हैं और 2 रहता है, 1 4 या 4 और 1 5 भी रहता है। ये आपका अरेंजमेंट रहता है जिसमें पीरियाडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियाडिक टेबल में एक चीज और आप जब आप करेंगे कि जैसे भी आप देखते हैं थर्ड पीरियड इंट्रोड्यूस होता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में ड्रेस्टिक चेंज देखने को हमको मिलता है, ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिलता है जैसे ही थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा। यानी अगर हमने कहा 1 2 3, जैसे ही थर्ड पीरियड आएगा, थर्ड पीरियड इंट्रोड्यूस होगा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में आप एनोमलस बिहेवियर भी ऑब्जर्व करेंगे, ड्रेस्टिक चेंजेस भी ऑब्जर्व करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और उसका कारण है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से नॉर्मली हम लोग ये चीजों को ऑब्जर्व यहाँ पे करते हैं, ठीक है भाई। इन सभी चीजों को आप एक बार देखिए और एक बार स्टडी करिए। इसके बाद जो है तमाम चीजें हैं उसको नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस चीज को पढ़ लेते हैं, तो फिर आगे की जो वीडियो अपलोड होगा उसमें तमाम चीजें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ प्रेडिक्शन है, तमाम चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको डील किया जाएगा, उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है।